Hey guys, welcome back to my channel. मैं संदीप राम मंडल और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग एसएमएन फिशिंग। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाला हूं कि मैं अपने प्लांट्स को किस तरीके से सेट करने वाला हूं। एक सिर्फ प्लांटेड सेटअप बनाएंगे जहां पे सिर्फ प्लांट्स को ग्रो करेंगे। इसका मेन इंटेंशन यही है कि जरूरी थोड़ी है कि मतलब फिश अगर आपके पास नहीं हो, आपके आसपास अवेलेबल ना हो, आप ऐसे प्लांटेड सेटअप नहीं बना सकते। तो प्लांटेड सेटअप आप बना सकते हो आराम से, बहुत ही ब्यूटीफुली प्लांट्स कलेक्ट करके। उसमें फिश ना रखे चलता है, फिश रखे वो भी चलता है, आपकी मर्जी। लेकिन मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, और जरूरी भी तो नहीं है ना कि फिश रहेगा, फिश का ही सेटअप बनाना है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए, थोड़ा सा अलग बनाया जाए और क्या क्या प्लांट्स यूज करने वाला आप लोगों को दिखाता हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज मैं इस पॉन्ड को यूज़ करने वाला हूँ जिसमें ऑलरेडी प्लांट्स हैं, तो इन सभी प्लांट्स को निकाल लेंगे, डिसइंफेक्ट कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सेटअप बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इस पॉन्ड का हालत। सिमिलरली हमारे बगल में ये वाला पॉन्ड भी है, इसकी भी हमें सेटअप करनी है लेकिन आज नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारा ये रिवर पॉन्ड है जो काफ़ी सूख रहा है पानी, तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। एंड आप देख रहे हो प्लांट्स वगैरह काफ़ी अच्छा ग्रो किया है लेकिन पानी डालना पड़ेगा इसमें। एंड देन इसका भी हमको अच्छा सा सेटअप करेंगे। और यहाँ पे आप स्नेल्स देखिए, इतने ज़्यादा स्नेल्स यहाँ पे हो चुके हैं। मैंने शायद यहाँ पे डाले रहेंगे दो तीन, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेल्स हैं एंड बहुत प्यारे प्यारे स्नेल्स हैं। तो स्नेल्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही मैं सेटअप को थोड़ा चेंज करने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग भी कमेंट करना कि क्या कर सकते हैं। एंड दोस्तों चलिए अभी हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को निकाल लेंगे। बहुत कुछ मैं ऐसे यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे वाटर हाइसिंथ है, ये वाटर लेटस सब मैं फेंक दूंगा शायद, या फिर तो इनको छांट कर अच्छे वाले रख दूंगा। तो बहुत सारे हैं, अभी पानी निकाल रहा हूँ। तो अगर आपके पास साइफन ट्यूब है तो आप आराम से पानी निकाल सकते हो। तो गंदगी देखो कितना ज़्यादा निकल रहा है नीचे से। तो दोस्तों मैंने पूरा निकाल लिया और आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा एल्गी है, तो इनको निकाल लेते हैं। ये टैंक से मैंने निकाला हुआ था और इसमें हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस है। साथ ही में ये वाले प्लांट्स काफ़ी अच्छा ग्रो किए थे, यहाँ पे डकवीट भी बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं जिनको आज मुझे अच्छी तरीके से इनको उगाना है या बोना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था इनको एक्चुअली सेट करने के लिए। तो अभी देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं, हाइड्रीला भी अंदर पड़ा हुआ है। तो देखिए मैंने सारा प्लांट्स निकाल लिया और एक बकेट में रख लिया है, मतलब सारा नहीं, काफ़ी सारे प्लांट्स निकाले इनको आज यूज़ करेंगे। और काफ़ी फ्लोटिंग प्लांट्स हैं इसमें, और ये सारे एडिशनल प्लांट्स भी हम यूज़ करने वाले हमारे पॉन्ड में एंड हम कुछ पॉट्स भी यूज़ करेंगे। तो गाइस इस फर्न का रूट देखिए, इसको काफ़ी टाइम से लाया हुआ था और इसको अच्छे से बोने का टाइम तक नहीं मिला, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। और ये कौन सा फर्न है आप लोग बता सकते हो, आप लोग को भी मिलता है क्या बताना मुझे। आई थिंक ये हर जगह अवेलेबल होती है, इसमें बर्ड भी निकल रहा है। तो इसको अभी हम करेंगे वॉश, तो इस तरीके से मैं वॉश कर लूँगा। बहुत लोग का सवाल रहता है कि यार डकवीट मेरे पास भी है लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं करते, सूख जाते हैं एंड उनके लीव्स भी जो है वाइट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सारे डकवीट आप देख रहे हो, ये भी वॉशिंग के वक्त सब निकल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आप कुछ तो गलत करो, या फिर टेम्परेचर या धूप में रख रहे हो, या पता नहीं दोस्तों, एक बार चेक करना कैसे कंडीशन में आप आपके डकवीट को उगा रहे हो। तो ये प्लांट्स यहाँ पे अच्छी तरीके से वॉश हो चुका है, साथ ही में हमने अपने बकेट को भी वॉश कर लिया। चलो इसको लेकर चलते हैं, धूप में रखते हैं। और साथ ही में आपको कुछ फ्लावर्स दिखाता हूँ जो मैंने बोए हैं। तो ये कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स थे जो मैंने 2 महीने पहले बोए थे और बहुत बड़े से खिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अभी है जिनमें कली वगैरह आया हुआ है और खिलने वाले, इसमें जरवेरा भी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। और ये देखिए ये भी काफ़ी सुंदर से खिला है, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और भी प्लांट्स हैं, तो इस तरीके से वीडियो के बीच बीच में प्लांट्स भी आपको और फ्लावर्स भी आपको दिखाऊंगा। देन अभी इसमें भी आया हुआ कली काफ़ी सारा खिल रहा है, और छोटे प्लांट्स आपको दिखाता हूँ जो ऑलरेडी अभी ग्रो कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये सारा प्लांट्स आप देख रहे हो, ये सब खिलने वाले, इसमें फ्लावर्स आने ही वाला है। तो दोस्तों बकेट को लेकर चलते हैं, सूख चुका है ऑलमोस्ट एंड चलो इसमें डालते हैं हमारा प्लांट। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंगली एक स्नेल मिला जो बहुत ही प्यारी स्नेल है, तो इसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखो मैं इसका शेल दिखाता हूँ, इतना प्यारा है ना। अभी इसका नाम मुझे नहीं पता एंड इसका ग्रोथ और एंड लेंथ कितना रहता है वो भी नहीं मालूम मुझे कि कितना बड़ा होगा, या ये छोटे साइज का ही है, बट जो भी है बहुत प्यारा है। तो गाइज मैंने इनको यहाँ पे ऐसे रख दिया है फिलहाल के लिए। तो ये हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस है जिसको मैंने खरीदा हुआ था, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मुझे ग्रो करना है। ये एक्चुअली टैंक के अंदर था बट अभी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो इनकी कंडीशन को भी अभी यहाँ पे संभाल कर इनको ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये नए टेम्परेचर एनवायरमेंट में जो है आ चुके हैं। तो देखिए इसमें बर्ड्स तो ऑलरेडी निकल रहे थे, तो होपफुली अच्छा ग्रो करेंगे। साथ ही में एक ब्रोकन पॉट ले लिया, इसमें मिट्टी डालकर इसमें मैंने सारे फ्लोटिंग प्लांट्स जो है यहाँ पे रख दिए हैं, डाल दिए हैं मिट्टी के साथ। तो इसमें काफ़ी सारे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं आप देख पा रहे हो, तो ये जब यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से, इसको 1 से 1.5 महीने लगेगा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने में और नए बर्ड्स आएंगे। जब ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा तो इसमें से कट कर
करके हम स्टेम्स अलग अलग जगह पे भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा मोटिव है और यहाँ पे एकदम से एक प्लांटेड जो है पॉन्ड बनाने का जो है मेरा इंटेंशन है फिलहाल। तो नाउ ले लिया मैंने दूसरा पॉट, तो ये भी ब्रोकन है, तो ये थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा है ना हाइट में यानी कि, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो फिर पानी अंदर तक ज़्यादा जाएगा नहीं, तो इसमें हम लोग वो वाले प्लांट्स रखेंगे जो अंडर वाटर प्लांट्स नहीं है, जिनको थोड़ा सा ही पानी चाहिए रहता है, तो उनको यहाँ पे हम ग्रो करेंगे, जैसे कि हमारे पास फर्न है, बाकी हमारे पास क्लाइंबिंग प्लांट्स है, उनको यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये फाइनली तैयार हो चुका है, काफी बढ़िया सा लग रहा है एक्चुअली, इसको घर पे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ बनाकर हम बैल्कनी में भी रख सकते हैं, काफी प्यारा लगेगा राइट। तो इसमें सारे प्लांट्स तो आ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, तो इस तरीके से मैंने कुछ इनका सेटअप किया हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अवार्ड मिला है मुझे, ऐसा अवार्ड बनता तो कितना मजा आता, नहीं बहुत धूप है यार सच में। नाउ थोड़ा रीपोजिशनिंग कर देते हैं हम, थोड़े से प्लांट्स को इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बीच में मैं इसको कहाँ रखूँ, इसको बीच में फिलहाल रखता हूँ, देखते हैं कि बाद में कैसा लगता है। तो इनको यहाँ पे रखते हैं और इसको हम पीछे रखेंगे। तो गाइस देखो मैंने किस तरीके से इसको सेट किया हुआ है, इस तरीके से ये दो क्लाइंबिंग प्लांट्स को मैंने साइड में रखा हुआ है, एंड हमारा जो फर्न है उसको आगे की ओर रखा हुआ है ब्रोकन साइड में, तो इसको रखते हैं इसके पीछे। तो गाइस प्लांट्स जो भी इस पॉट में है ये पूरा डेंसली ग्रो होगा अगर अच्छे कंडीशन में ये ग्रो हुआ तो, एंड देन होने के बाद हम वैसे भी काट कर स्टेम्स अलग अलग जगह लगा सकते हैं। तो अभी पानी डाल देंगे, तो जैसे पानी डाल रहा आप देख ही पा रहे हो कि डकवीड, हर जगह डकवीड ही डकवीड है, बहुत ज़्यादा है। तो देखो मैंने वॉश किया था फिर भी यहाँ पे आ गया है, मैं इनको लाया नहीं बट स्टिल ये आ चुके हैं, तो डकवीड काफ़ी है। और अभी पानी डालने के बाद जो भी गंदगी यहाँ पे आने वाला है ऊपर के लेयर पे वो निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाले पॉट से ऑलरेडी गंदगी निकल रहा है तो इट्स फाइन, इसको हम निकाल लेंगे। एंड मीनवाइल इस रिवर पॉन्ड में भी थोड़ा डाल देते पानी, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पानी नहीं गया। आप देख पा रहे हो कि पत्ते के ऊपर थोड़ा सा जो है इस तरीके का डस्ट आ चुका है, बट स्टिल फाइन। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर से ही ऐसे पानी डाल देते हैं और इसको फुल कर देते हैं, एंड प्रोबेबली आफ्टर 2-3 डेज इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। आप बताना, मैंने आपको बताया हुआ है कमेंट देने के लिए कि इनकेस अगर आपको चाहिए कुछ अलग तरीके का रिवर पॉन्ड तो गाइस सजेशन ज़रूर देना। तो जब तक इसमें पानी भर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, एंड अब हम इसमें डालेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स। और ये देख पा रहे हो कि पूरा पानी में नहीं डूबा है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, इसमें मिट्टी है और इनको इतना पानी चाहिए भी नहीं है। तो अभी हम डाल देंगे हमारे बाकी फ्लोटिंग प्लांट्स, और ये देखिए ये यहाँ पे फुल हो चुका है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम हरा भरा। तो हमारे पास फ्लोटिंग प्लांट्स में जैसे कि है वाटर हायसिंथ, मैं दो ही डालने वाला हूँ, तो ये वैसे भी डाले ना डाले ना मतलब नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ अच्छा दिखने के लिए। तो दो वाटर हायसिंथ के बंचेस डाल दिए मैंने, इसको थोड़ा आगे की ओर खींच देता ताकि ये फ्लोट कर पाए अच्छी तरीके से। और ये आप एक दो दिन के बाद अगर देखो कि मैं शॉर्ट्स डालने ही वाला हूँ 4-5 दिन के बाद, फिर देखना कि कितना अच्छा ग्रो किया है। एंड कुछ 20-25 वाटर कैबेजेस स्मॉल साइज वाले डाल देंगे यहाँ पे, स्मॉल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड साथ में डकवीड डालने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके साथ ही वो आ गए देखिए। तो इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, और ये कंप्लीट सेटअप इस तरीके से सेट हो रहा है। और जब सारे प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो होना शुरू करेगा तब आप देखना इस सेटअप को ये कितना ज़्यादा प्यार लगेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप भी बना सकते हो, लेकिन हाँ अगर भी मैं बनाऊंगा तो मैं डेफिनेटली इंपोर्टेड गप्पी का ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इंपोर्टेड गप्पी के बच्चे चाहिए, क्योंकि वो गप्पीज बहुत प्यारे। अब मैं डाल दूंगा 3 अजोला यहाँ से लेकर, जस्ट ऐसे ही अजोला को हम क्यों पीछे छोड़े हैं ना, इनको भी डाल देते। तो 3 अजोला डाल दिया और देखिए एकदम हरा भरा लग रहा है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए आफ्टर अ वीक जब मैं शॉट डालूंगा तो होपफुली ये और ज़्यादा अच्छा हरा भरा ग्रो करेगा। तो गाइस कैसा लगा बताना, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास फिश नहीं है तो टेंशन ना ले, ऐसा कुछ बनाइए ना बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप वाटर पंप डाल दीजिए और प्यारा लगेगा, इसमें आप फाउंटेन बनाइए और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीक हम इस पर काम करेंगे, इस पर काम करेंगे, इसमें काम करेंगे, एंड इसमें भी, एंड साथ में हम करेंगे इसमें भी काम। तो इन सबको चेंजेस करेंगे एंड आप लोग तक मैं लेकर आऊँगा। तो बताना दोस्तों कैसा लगा, और गप्पीस छोड़ना है तो छोड़ देना, और आप लोग ऐसा बना सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, तो एकदम ग्रीन ग्रीन बहुत प्यारा लगता है। बाय बाय, टेक केयर, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।